स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री की जो आपको सिलेबस है वो क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों का हम देख चुके हैं। आप फर्दर जो आपकी जो वीडियोज़ हैं उसमें आप जा सकते हैं, चैनल पे आप जाएंगे आपको मिल जाएगी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो ये जो सिलेबस है आप सब जानते हैं, यूपी बोर्ड के लिए है या जो यूपी स्टेट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी कर रहे हैं, उनके लिए सिलेबस है। जो फर्दर जो आपकी अगर बात करूँ मैं आगे जो हायर स्टडीज़ में आपके जो चैप्टर्स होंगे उसके बारे में धीरे बात करेंगे, पर अभी जो बात चल रही है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। अब जो इसमें सिलेबस है बाकी स्टेट्स के लिए भी यही रहेगा, क्योंकि आपके जो चैप्टर्स होते हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, पर जो सिलेबस होता है जनरली आपको बीएससी के लिए यही रहता है। ऐसे भी हो सकता है कि जो कुछ चैप्टर्स आपके फर्स्ट ईयर में कुछ सेकंड में हो जाएं, तो ये थोड़ा सा आपका चेंज हो सकता है, पर मेनली अगर बात करूँ यूपी स्टेट की तो उसमें आपको यही सिलेबस रहेगा। जो बाकी स्टेट वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस क्या हो सकता है, कैसे ये रिलेटेड है टू द 11th 10th 12th क्लास। तो बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे फर्स्ट चैप्टर की। यूनिट फर्स्ट में आपको पाको चैप्टर मिलेगा मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड कंप्यूटर्स। अब ये जो आपका चैप्टर है थोड़ा सा आपका केमिस्ट्री से अलग है, इसमें केमिस्ट्री की बात नहीं करी गई है, इसमें आपको मैथमेटिक्स की बात करी गई है और कंप्यूटर्स की बात करी गई है। अब इसमें ज़्यादा आपको इतने ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। मैथमेटिक्स में आपको जो मेन चीज़ें होती है जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आपका लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन होते हैं, आपका पीएनसी होता है यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, तो ये आपके जो चैप्टर थे इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उससे आप फर्दर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दिक्कत उन बच्चों को आती है जो बच्चे सीबीजेट के वाले बच्चे हैं, यानी कि जिनके पास बायोलॉजी है, क्योंकि उसमें उन्होंने मैथमेटिक्स में इतने अच्छे से, क्योंकि टेंथ के बाद छोड़ देते हैं मैथमेटिक्स और टेंथ के बाद ही आप पढ़ते हैं सीबीएसई में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो उन बच्चों को दिक्कत काफ़ी आती है, तो उनके लिए रहेगा कि वो थोड़े से बेसिक्स अपने क्लियर करें, क्योंकि आपको ये सब आना चाहिए, क्योंकि इस बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चैप्टर डेट इज कंप्यूटर्स। अब फर्स्ट चैप्टर में आपके जो है डिवाइड कर रखा है, तो सेकंड आपका कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर्स के बारे में आपको ज़्यादा इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर्स में आपको डिपिकल इसलिए नॉलेज होती है कि आपके हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के क्या जो है डिमेरिट्स है, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो ये आपको थोड़ा बहुत अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो कंप्यूटर्स के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज के बारे में, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, तो इसके बारे में नॉलेज होगी, आप इसमें आराम से आगे जो है इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आपके मेन जो मेन पोर्शन शुरू होता है केमिस्ट्री का, वो होता है गैसेस स्टेट से, आपका यूनिट नंबर सेकंड डेट इज गैसेस स्टेट। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप डेट इज लिक्विड स्टेट। अब अगर बात करूँ मैं स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा फिफ्थ चैप्टर डेट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें आपने सबके बारे में पढ़ा हुआ है, अगर उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इजीली गैसेस स्टेट को कर सकते हैं। गैसेस स्टेट में आपको कुछ भी नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अगर आप गैसेस स्टेट को अगर आप 11th वाला पढ़ेंगे तो आप इजीली इसको जो है कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि आपने गैसेस स्टेट पढ़ा हुआ है, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है। लिक्विड स्टेट के बारे में आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा होगा, लिक्विड स्टेट के बारे में अगर आप और अच्छे से जो पढ़ेंगे वो बीएससी पढ़ेंगे। अब बात करूँ लिक्विड स्टेट के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है सिलेबस अगर आप कवर अप करते हैं, तो अगर आप कोई अच्छी बुक लेंगे डेट इज कॉम्पिटिटिव के लिए, तो उसमें आपको लिक्विड स्टेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि इसमें क्या क्या आपकी थ्योरीज होती हैं, क्या क्या आपके इंट्रक्शन होते हैं, इस बारे में आपको पता चलेगा। तो ये आपका हो गया है आपका थर्ड चैप्टर। उसके बाद आपकी बारी आती है फोर्थ चैप्टर की, डेट इज सॉलिड स्टेट्स, जो फंडामेंटल चैप्टर है आपका, जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं 12th में उनके लिए बेनिफिट रहेगा, पर लेकिन सीबीएसई ने जो है इस साल से सॉलिड स्टेट को निकाल दिया, तो उन बच्चों के लिए डिमेरिट रहेगा, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ेंगे, तो पहली बार बीएससी में पढ़ेंगे। पर अगर बात करूँ मैं पहले की, 2019 से पहले जो बच्चे थे उनको सॉलिड स्टेट उनका चैप्टर था तो वो पढ़ते थे, तो उनके लिए काफ़ी सही रहती है बीएससी में, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं आती, कुछ चीज़ें आपकी पुरानी वाली होती हैं। अब जो नई चीज़ें आती है वो क्या होती है, उस बारे में बात करता हूँ। इसमें आपकी काफ़ी चीज़ें नहीं आती, दैट इज लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एक अलग से एक आपकी फिजिक्स की ब्रांच है, क्रिस्टलोग्राफी आपका फिजिक्स का टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं होता है, फिर भी आपको इसमें दिया हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें केमिस्ट्री से यूजेस होती हैं। अब क्रिस्टलोग्राफी जो आपका टॉपिक है, ये आप अगर आप हाई स्टडी में जाएंगे, पीएचडी करते हैं आप, मास्टर्स करते हैं, उसमें भी आपको मिलता है टॉपिक, जो बच्चों को इंटरेस्ट होता है इसके अंदर तो वो इसको पढ़ते हैं, तो ये आपकी अलग से एक ब्रांच है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया हुआ है। इसमें आपको पढ़ना होगा लॉज ऑफ आपकी सिमेट्री क्या होती है, इस बारे में आप काफ़ी नई चीज़ें पढ़ेंगे, डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, एक्सरे मेथड, आपके पाउडर मेथड है, काफ़ी ज़्यादा जो है नई चीज़ें है। सॉलिड स्टेट आपने जो 12th में पढ़ा है उससे तो काफ़ी ज़्यादा आपको नई चीज़ें मिलेंगी, तो ये आपका एक नया चैप्टर होगा, ये 12th से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। 12th में आपका आपको 30 से 40% आपको मिलेगा, पर जो आपको 60% रहेगा वो बीएससी का ही रहेगा, मतलब हायर लेवल का रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर इज कोलाइडल स्टेट। अब कोलाइडल स्टेट भी आप पढ़ चुके हैं,
आपका जो चैप्टर था फिफ्थ चैप्टर डी सरफेस केमिस्ट्री 12th क्लास में, तो उसमें आपने पढ़ा है कोलाइडल स्टेट। अब कोलाइडल के कोलाइड्स के बारे में पढ़ा, कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, आपके लियोफिलिक कौन से होते हैं, लियोफिलिक लियोफोबिक, ये सब आप पढ़ चुके हैं कोलाइड्स के बारे में, तो वही आपको पढ़ने स्टडी करना है। और बाकी सब आप पढ़ चुके हैं, गोल्ड नंबर आपका, हार्डी सेड्स रूल, आप ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। इमल्शंस के बारे में, इमल्शंस की फॉर्मेशन कैसी होती है, कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी, एक दो टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपको नया लगेगा, वो आप जो है इसमें पढ़ेंगे। हाईएस्ट हाई थोड़ा सा रहेगा, पर मेनली जो आपका 12th का चैप्टर है वो आपको करना है। इसलिए मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आपको 11th 12th के जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। या जो बच्चे 12th में भी हैं और अगले साल बीएससी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उन चीज़ को याद रखें, क्योंकि आपको बोर्ड में बेनिफिट रहेगा। बाकी आप जब आप हाईएस्ट स्टडी में जाएंगे तो उसमें बेनिफिट रहता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में, काफ़ी चीज़ें आपको वही मिल रही हैं जो 11th 12th में आप पढ़ चुके हैं। मैथमेटिक्स में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसमें काफ़ी चीज़ें नहीं आ जाएंगी, पर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स तो आपको बिल्कुल सेम रहता है, तो काफ़ी बच्चों को बेनिफिट रहता है जो बच्चे 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनके लिए। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। तो अब केमिकल काइनेटिक्स भी आप पढ़ चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स आपका चैप्टर था, दैट इज आपका 4th चैप्टर 12th क्लास में। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको वही से पढ़ना है, आपके जो आपके सॉल्वेंट क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, आपका रिएक्शन कैसे बनता है, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, और आपका जो केमिकल काइनेटिक्स में आपका ऑर्डर होता है, मॉलिक्यूलरिटी होती है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आप अगर 12th में पढ़े होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। बीएससी का जो आपका कोर्स है वो इतना ज़्यादा आपका हाई लेवल का नहीं है मेरे हिसाब से। अगर बात करूँ जो बच्चे कॉम्पिटेटिव तैयारी करते हैं 12th में, या नीट की, या जेई की, या जो बच्चे बीएससी के आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएचयू के, उसकी अगर तैयारी करते हैं तो वो थोड़ा सा फर्दर स्टडी करते हैं, तो उनके लिए तो ये चैप्टर काफ़ी ईजी रहेगा, क्योंकि आपका इतने ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी जो 12th से ही रिलेटेड हैं, 12th की जितने भी आप जो भी आपका पोर्शन है सारा पोर्शन आपको मिलेगा। कुछ ऐसी मुझे नहीं लगता कुछ नई चीज़ें मिलेगी, हो सकता है कि चीज़ें आपको नहीं मिल जाए, पर लेकिन ज़्यादातर आपकी जितना भी मैं बताऊँगा 90% तो आपका 12th का ही मिलेगा। तो इसलिए ये आपका सिलेबस है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो आई होप आपको इस बारे में पता चल गया होगा आपके सिलेबस कैसे रिलेटेड हैं आपकी 12th और 11th से। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत आई, आपको कोई डाउट तो क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।